हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शायद हम सभी को सक्सेस को पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। इस टॉपिक का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि हम जो भी चीजें हम करना चाहते हैं उसको कॉन्फिडेंटली पूरे विश्वास के साथ उस चीज को कर पाए तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। अगर जब हम उसको नहीं कर पाते तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा नीचे है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो किसी भी चीज को करने से पहले वो होता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है उस चीज के लिए रेडी नहीं होता है। तो उसके लिए एक सवाल ये आता है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक जो बेस्ट तरीका जो मैं हमेशा से फील करता हूं और जो मुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी इंसान को हेल्प कर सकता है, वो सिर्फ एक ही चीज है और वो है अपनी नॉलेज को बढ़ाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत हर किसी को है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस का रिसोर्स क्या है या सोर्स क्या है, वो कहां से आ रहा है। बेसिकली जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जो हमारे अंदर विश्वास आता है, वो हमें मिलता है हमारी नॉलेज से। जो हम नॉलेज रखते हैं उससे हमें विश्वास मिलता है। किसी भी टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान, मैं किसी इंसान से ये पूछता हूं कि आप बैलेंस शीट कैसे बनाते हो, फाइनेंशियल बैलेंस शीट कैसे बनाते हो, अगर वो इंसान फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा नहीं है, बात करने में भी बहुत अच्छा नहीं है, वो इंसान फिर भी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में फुल कॉन्फिडेंस से मुझे बता सकता है। अब समझने वाली बात क्या है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस आया नॉलेज से, क्योंकि उसने पढ़ाई की है, उसका एक्सपीरियंस है।